हेलो हाय गाइस, चलिए आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाती हूँ। उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी हमें। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, एक कटोरी में आधा किलो के आसपास। मैंने गाजर को किस लिया है, कद्दूकस किया है, पानी उसका निकाल दिया है। 1 कप दूध है और आधा कटोरी घी है। अब मैं इसे फ्राई पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। गैस पे चढ़ाने के बाद मैं इसे थोड़ा प्री हीट हो जाने दूंगी, क्योंकि फिर घी डालने के बाद उसे हीट करने में टाइम लगता है, इससे थोड़ा प्री हीट हो जाएगा। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपकी सामग्री में ली हैं तो उन सब चीज़ों को आप एक साथ में रखें, बार बार इधर उधर आने जाने की ज़रूरत ना पड़े आपको। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। और जो गाजर का हलवा मैं बना रही हूँ, ये आधा किलो की गाजर है, लगभग 7 से 8 गाजर होंगी। बहुत रेड नहीं है, हल्के से येलो वाली हैं, क्योंकि मुझे यही मिल पाई थी। चलिए आगे बनाते हैं। अभी मैं घी को डालूँगी, पूरा घी मैंने डाल दिया है। आधा कटोरी जो घी था वो पूरा मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको घी में ही बनाना है। जैसी आपके पास अवेबिलिटी हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, या जैसी चीज़ों में आप बनाना चाह रहे हो। मेरे पास घी था, मुझे घी में बनाना था इसलिए मैंने घी डाल दिया है। कटोरी को अच्छे से साफ़ करके सारा घी उसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा हीट हो जाने दूंगी मैं, थोड़ा सा पूरी अच्छी तरीके से पिघल जाएगा। तो अब इसमें मैं गाजर मिलाऊंगी। गाजर का पानी ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि उसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो पानी उसका छन गया है। अगर आपके गाजर में पानी है तो पानी मत डालिएगा इसमें, सिर्फ गाजर ही डालिएगा। घी गर्म हो रहा है मेरा, तब तक मैं सारी चीज़ों को एक साथ व्यवस्थित कर लेती हूँ। चलिए, लगभग घी मेरा गर्म हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें मुझे गाजर डालनी है। गाजर डाल के मुझे इसे बराबर चलाना भी होगा। आराम से डालें, चिट्टियाँ आपके हाथ पे ना आए। आप चाहें तो कुकिंग करते हुए आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ। अगर आपके पास हैं और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। गाजर डालने के बाद इसे आप चलाते रहिए प्रॉपरली, पूरे घी में इसे मिक्स कर दीजिए। अच्छे से पूरी गाजर में घी मिक्स हो जाए। देखिए, पानी बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से आपको उसके पानी की जलाने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन फिर भी मुझे इसे 10-15 मिनट तक धीमी धीमी आंच पे, गैस मीडियम फ्लो पे ही रखिएगा। देखिएगा मेरे गैस का बर्नर बिल्कुल धीमा है और उसी पे मुझे इसे पकाना है। आप इसे चलाते रहिए बराबर। अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे गाजर लगने की, नीचे तली में लग सकता है, इस वजह से आप इसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, अभी उसे सुखाने की ज़रूरत है, तो आप फ्लेम तेज़ कर सकते हैं बीच बीच में, फिर आप फ्लेम स्लो कर सकते हैं। मैंने 10 से 15 मिनट बोला है, तो ऐसा नहीं कि आप इस घी में गाजर को डाल करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आपको इसे बराबर चलाना पड़ेगा। जब ये भुन जाएगा बहुत अच्छे से, तो आपको एक हल्की हल्की सी स्मेल आने लग जाएगी, काफ़ी अच्छी स्मेल होगी। आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि घी में ये गाजर बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है और भुन गया है।
आप इसे प्रॉपर चलाते रहिएगा, बिल्कुल भी रख कर भूल जाने वाला काम मत करिएगा, वरना फिर नीचे गाजर लग जाएगी तो वो आपकी जो हलवा बनेगा उसमें दिखाई देगा, और टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है। अगर तली में कोई चीज़ पकाते हुए लग जाती है तो उसका टेस्ट भी जला हुआ सा आने लग जाता है। ये देखिए लगभग ये भुन गया है। भुन जाने के बाद इसका कलर देखिए इस तरीके का हो जाएगा। इसका कलर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भुन गया है, सूख भी गया है घी सारा। अब मैं इसमें मिल्क मिलाऊंगी, पहले थोड़ा सा और गर्म हो जाने देती हूँ मैं। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं मिल्क डाल दूंगी, जो 1 कप मिल्क था। ठंडा गरम कैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा मिल्क ठंडा ही है, फ्रिज में रखा हुआ था। मिल्क डालते ही ये उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी तली भी गर्म है और इतनी देर से आप इसे भून रहे थे तो ये सारा कुछ उबलने लग जाएगा। आप इसे प्रॉपरली बराबर चलाते रहें, 3 से 4 मिनट तक आप इसे चला करके बहुत अच्छे से मिला दीजिए आपस में, सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। देखिए ये सारा मिल गया है इसमें, और दूध भी काफ़ी कुछ उसमें सोख लिया है। इस तरीके से हो जाएगा जब आपका दूध इसमें सोख लेगा। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है, इसे ढक करके मैं पकाऊंगी थोड़ी देर में। पहले इसे मैं थोड़ा सा उबल जाने देती हूँ, फिर मैं इसे ढक दूँगी। और ढकने के 10 से 15 मिनट बाद तक ये करना है। 10 से 15 मिनट ढकने का मतलब ये नहीं है आप उसे ढक करके छोड़ देंगे 2 मिनट में 3 मिनट में। जैसी क्वांटिटी है, जैसी आपकी फ्लेम है, उस अकॉर्डिंग देख करके आप उसे बराबर चलाते रहें। इसे तली में बिल्कुल नहीं लगना है। पानी मिला दूँगी, पानी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है, पिघलेगी वो तो उसमें थोड़ा सा आपको लिक्विड ज़्यादा लगेगा। ये देखिए आपको लिक्विड ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया है। इसी को सुखाना है तो मीडियम फ्लेम पे रख करके ओपन रखेंगे। अब इसे ढकेंगे नहीं, हम इसे ओपन रख करके ही इसको पकाएंगे अच्छे से। अब ये देखिए काफ़ी कुछ चाशनी सूख गई है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब जैसे जैसे चाशनी सूख रही है, जैसे जैसे ये हलवा बनता जा रहा है, आपको देख करके खुद भी समझ में आ जाएगा। जलाना देखिए इसके साथ में प्रॉपरली आपको लगना पड़ेगा पूरे साथ में, क्योंकि इसकी चाशनी सुखाना, इसको तलना, दूध का आपस में मिलाना, ये सब आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। आप इसे ढक करके या गैस पे चढ़ा करके छोड़ नहीं सकते। आपने मुझे देखा होगा, मैं प्रॉपरली 10-5 मिनट छोड़ करके, जिस टाइम पे मैंने दूध डालने के बाद इसे ढका था, उसके बाद से मैं इसे प्रॉपरली चलाती जा रही हूँ। क्योंकि अगर ये नीचे से ज़रा सा भी इसमें तली में ही हलवा लग जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत अजीब हो जाएगा। आपका हलवा बनकर तैयार है। थोड़ा सा इसे हल्का सा गीला ही रहने देंगे, क्योंकि ये सूखने पे वैसे भी ड्राई हो जाएगा। तो आपका हलवा गाजर का हलवा बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व किया है। आप गरम भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो आप वापस से इसे सर्व करने से पहले हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि प्योर घी में बना हुआ है तो इस वजह से ये ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा फ्रिज में रखने के बाद। बट स्टोरेज के लिए आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।